नमस्कार मैं प्रिया। आज है 20 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में घट रहे कोरोना के मामले, संक्रमण दर में आई गिरावट। अब ऑनलाइन ऑर्डर पर उद्यान विभाग देगा पौधे। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बुरी खबर। इंटर पास छात्राओं को जल्द ही मिलेगी मुख्यमंत्री उत्थान योजना की राशि। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में घट रहे कोरोना के मामले, संक्रमण दर में आई गिरावट। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के कुल मिलाकर 6,059 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 58,610 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 198, अरवल में 53, औरंगाबाद में 227, बांका में 31, बेगूसराय में 335, भागलपुर में 261, भोजपुर में 39, बक्सर में 41, दरभंगा में 95, ईस्ट चंपारण में 142, गया में 259, गोपाल गंज में 194, जमुई में 70, जहानाबाद में 39, कैमूर में 24, कटिहार में 106, खगड़िया में 37, किशनगंज में 134, लखीसराय में 41, मधेपुरा में 132, मधुबनी में 247, मुंगेर में 117, मुजफ्फरपुर में 178, नालंदा में 212, नवादा में 69, पटना में 1244, पूर्णिया में 163, रोहतास में 34, सहरसा में 120, समस्तीपुर में 175, सारण में 177, शेखपुरा में 44, शिवहर में 44, सीतामढ़ी में 107, सिवान में 94, सुपौल में 278, वैशाली में 119, वेस्ट चंपारण में 128 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 59 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए। वहीं बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 12,043 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। वहीं बीते दिन 1,40,102 सैंपल की जांच की गई है। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आई बुरी खबर। पंचायत चुनाव स्थगित करने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है, जिसके तहत आने वाले समय में चेक या ड्राफ्ट से लेन देन करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों की कुर्सी खतरे में है। ऐसा करने वाले प्रतिनिधि जेल भी जा सकते हैं। इसकी जानकारी पंचायती राज विभाग मंत्री सम्राट चौधरी ने दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मंत्री की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 के बाद चेक या ड्राफ्ट से लेन देन करने वाले त्रिस्तरीय पंचायती प्रतिनिधि नपेंगे। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भारत सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक कई बार पत्र कर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को चेक या ड्राफ्ट से भुगतान न कर PRMS से भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। बिहार में शिक्षकों के वेतन का पुनर्निर्धारण होगा जल्द। बिहार में शिक्षकों के वेतन का पुनर्निर्धारण जल्द ही होने वाला है, जिसके तहत बिहार के राज्य कृत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रोन्नति प्राप्त शिक्षकों का नया वेतनमान तय किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग के निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को निर्देश जारी किया है। जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि राज्यकृत माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक अपने ही संवर्ग में प्रोन्नत किए जा चुके हैं उनका वेतनमान निर्धारण सुनिश्चित करें। वहीं दूसरी तरफ माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का पूरा ब्यौरा शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड जल्द ही करने की कार्रवाई तेज हो गई है। इंटर पास छात्राओं को जल्द ही मिलेगी मुख्यमंत्री उत्थान योजना की राशि। बिहार में छात्राओं की पढ़ाई पर बिहार सरकार का ध्यान खास तौर पर केंद्रित रहता है। यही कारण है कि सरकार भी छात्राओं के लिए कई तरह की योजनाओं को लाती रहती है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत भी सभी अविवाहित उत्तीर्ण छात्राओं के खाते में 10,000 रुपये भेजे जाएंगे। साल 2021 में इंटरमीडिएट पास अविवाहित छात्राओं को राशि दिए जाने का ऐलान किया गया था, जिसके तहत ऐसी 4,00,000 छात्राएं हैं जिनके खाते में लगभग 400 करोड़ की राशि शुक्रवार तक भेजी जा सकती है। इस साल पहले श्रेणी में मैट्रिक उत्तीर्ण सभी वर्ग की 1,65,591 छात्राओं के खाते में 10,000 की राशि भी भेज दी जाएगी, जिसके तहत कुल मिलाकर 165,59,10,000 रुपए सभी छात्राओं के खाते में भेजे जाएंगे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे कुंवर सिंह की। कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। वहीं उन्होंने आखिरी सांस 26 अप्रैल 1858 को ली थी। कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। अन्याय विरोधी और स्वतंत्रता प्रेमी बाबू कुंवर सिंह कुशल सेना नायक थे। इनको 80 साल की उम्र में भी लड़ने तथा विजय हासिल करने के लिए जाना जाता है। वो राजपूत समाज से थे। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी, जहाँ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के के सैनिकों को पूरी तरीके से खदेड़ दिया था। अब ऑनलाइन ऑर्डर पर उद्यान विभाग देगा पौधे। बिहार में ऑनलाइन ऑर्डर पर अब पौधे देने की सुविधा हो रही है। उद्यान विभाग ने बिहार वासियों को ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से पौधा मुहैया करवाने का ऐलान कर दिया है। इस बाबत कृषि मंत्री ने अधिकारियों को पर्याप्त दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने उद्यान निदेशालय की विभिन्न योजनाओं की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा की। इस दौरान 5 जिलों के अधिकारियों की लापरवाही सामने आने के बाद कारण बताओ नोटिस का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को 2-2 कहा है कि सरकारी नर्सरी को बेहतर बनाने और
गुणवत्तापूर्ण पौधे तैयार कराने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण प्रमंडल स्तर पर करने का निर्देश दिया है। हैदराबाद से पटना पहुंचा डॉक्टर प्रभात कुमार का पार्थिव शरीर। बिहार के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ प्रभात कुमार ने कोविड-19 के सामने हार मान ली है, जिसके बाद उनकी जान चली गई। जिसके बाद अब मिली जानकारी के अनुसार प्रभात कुमार की जान हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में गई है। वहीं बीते दिन हैदराबाद से राजधानी पटना उनके पार्थिव शरीर को पहुंचाया गया है, जहां IMM अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद समेत बिहार के कई डॉक्टरों ने निधन पर शोक जताया और श्रद्धांजलि दी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, डॉक्टर प्रभात ने बिहार में एंजियोप्लास्टी की शुरुआत की थी। उससे पहले एंजियोप्लास्टी के लिए बिहार के लोगों को दिल्ली या दूसरे बड़े महानगरों में जाना पड़ता था। ब्लैक फंगस से मुकाबला करने के लिए पटना एम्स IGIMS को बनाया गया विशेष हॉस्पिटल। बिहार में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों के बीच ब्लैक फंगस के मामलों ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि इस परेशानी से निकलने के लिए बिहार सरकार ने पटना एम्स और IGIMS को स्पेशल अस्पताल बना दिया है, जहां पर ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज किया जाएगा, जिसके तहत अब इन अस्पतालों में बेड के साथ साथ अन्य व्यवस्था भी की जा रही है। IGIMS में 50 बेड की व्यवस्था की गई है। पटना मेडिकल कॉलेज में भी ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर तैयारी चल रही है। इस बाबत मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि संस्थान ने RIO में 30 और ENT में 20 बेड फंगस इन्फेक्शन के मरीजों के लिए रखा गया है। डॉक्टर का कहना है कि जितने भी जटिल मामले ब्लैक फंगस के आएंगे वो IGIMS में एडमिट किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में पटना हुआ रांची से भी पीछे। योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत सरकार के केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से जो रैंकिंग जारी हुई है, वही स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में रांची 12वें स्थान पर पहुंच गई है और पटना 68वें स्थान पर है। यही नहीं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में झारखंड पहले पायदान पर है और बिहार 27वें स्थान पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न 100 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हीं 100 शहरों में चल रहे मिशन की योजनाओं की प्रगति के मामले में यह रैंकिंग जारी की गई है। बिहार में मोबाइल इंटरनेट की खपत में हुई बढ़ोतरी। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच बिहार में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। इस दौरान बिहार में मोबाइल इंटरनेट की खपत में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में मोबाइल इंटरनेट खपत 25-30% तक का इजाफा दर्ज किया गया है। सूबे में मोबाइल उपभोक्ताओं ने महज 1.5 महीने में लगभग 55 करोड़ GB मोबाइल डेटा का उपयोग किया है। जहां एक तरफ इस साल फरवरी में लगभग 1.50 करोड़ GB मोबाइल डेटा हर दिन उपयोग हुआ है, वहीं मई के दूसरे सप्ताह तक इसे बढ़ाकर 2.10 करोड़ GB तक पहुंच गया है। कंपनियों के अधिकारियों की माने तो इस बार वर्क फ्रॉम होम होने के साथ होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों ने मोबाइल इंटरनेट का उपयोग सबसे अधिक किया है। तावते तूफान को देखते हुए बिहार में जारी हुआ येलो अलर्ट। अरब सागर में तावते तूफान का असर इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जब से अरब सागर में तूफान का प्रभाव बढ़ा है, तब से बिहार के मौसम का मिजाज भी बदल गया है। बिहार के कई जिलों में अधिकांश बादल छाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार तावते की वजह से बिहार में अचानक चक्रवाती सिस्टम बन गया है। आगामी 24 घंटे तक बिहार एक चक्रवाती सिस्टम से प्रभावित रहेगा। IMD पटना की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी 2 दिन तक पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में सामान्य से मध्यम बारिश और दूसरे मौसमी आपदा खड़ी हो सकती है। इसके अगले दिन सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया में बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए पटना की बेटी ने बनाया एक अनोखा रोबोट। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए पटना की बेटी ने एक अनोखा रोबोट बनाया है, जिसके तहत पटना के BIT इंजीनियरिंग की छात्रा आकांक्षा ने डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 से बचाने के लिए इस रोबोट का निर्माण किया है, जिसके बाद यह रोबोट कई मायनों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ज्ञात हो यह रोबोट किसी भी संक्रमित मरीज की बेसिक मेडिकल जांच कर सकता है। इस रोबोट से ग्लूकोज की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा, हृदय गति, तापमान, ब्लड प्रेशर, ECG, वायरलेस स्टेथोस्कोप, फेफड़ा और हृदय की जांच किया जा सकता है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी रोबोट की सराहना की है। साथ ही उन्होंने ग्रामीण इलाके में इससे मदद मिलने की उम्मीद भी जताई है। वर्षों लंबे शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करने की राजद ने उठाई मांग। राजद ने सरकार के सामने लंबे समय से रुकी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करने की मांग उठाई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने अपना बयान जारी करते हुए इस बात की घोषणा की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जनवरी महीने में अनिश्चितकालीन आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया था कि 2 दिनों में काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आश्वासन के लगभग 4 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक काउंसलिंग डेट जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी निराश एवं हताश है। इसके साथ ही उन्होंने सुशील कुमार मोदी को उस वादे की भी याद दिलाई है, जिसमें उन्होंने बिहार में 3 लाख शिक्षकों की बहाली की बात कही थी।
कोरोना के कारण 22 मई से रद्द रहेंगी ये ट्रेनें। कोविड-19 का असर अब ट्रेनों के परिचालन पर भी देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि भारतीय रेलवे ने 22 मई से कई ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द करने का फैसला सुना दिया है, जिसके तहत 05203 बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 22 मई से 05204 लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 23 मई से 05269 मुजफ्फरपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस स्पेशल 27 मई से 05270 अहमदाबाद मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस स्पेशल 29 मई से 03368 सोनपुर कटिहार मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन 22 मई से 03367 कटिहार सोनपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन 23 मई से 05245 सोनपुर छपरा मेमू पैसेंजर ट्रेन 22 मई से 05246 छपरा सोनपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन अगले आदेश तक बंद। कोविड-19 के माहौल में सरकार ने कलाकारों के लिए उठाए खास कदम। बिहार में कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन ने कोविड-19 के मामलों में कलाकारों के लिए खास पहल करने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान कलाकारों की कला का सम्मान करते हुए यथासंभव प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विभाग द्वारा बिहार राज्य के सभी कलाकारों गीत संगीत नृत्य नाटक वाद्य यंत्र पेंटिंग आदि सभी कलाओं से संबंधित हेतु सारी जानकारी 15 जुलाई तक मांगी गई है, जिसके तहत चयनित एकल प्रस्तुति को 15,000, दल की प्रस्तुति हेतु 10,000, द्वितीय स्थान प्राप्त हेतु को 7,000 रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त प्रस्तुति को 5,000 का पुरस्कार सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद देने की कही बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद देने की बात कही है, जिसके तहत बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद देने के लिए बैठक आयोजन करवाया गया था। यहां पर खाद कीमतों के विषय पर विस्तृत जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई, जिसके बाद ही DAP खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपए प्रति बैग से 140% बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बैग करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस प्रकार डीएपी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों में वृद्धि के बावजूद इसे 1200 रुपए के पुराने मूल्य पर ही बेचे जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बेगूसराय जिला अस्पताल को सूबे में मिला प्रथम स्थान। बेहतर प्रबंधन में काम करने के लिए बेगूसराय जिला अस्पताल को सूबे में पहला स्थान मिला है। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा विभिन्न मानकों के आधार पर कायाकल्प योजना के तहत 6 अस्पतालों की सूची जारी की गई है, जिसके तहत विभिन्न सिद्धांत के आधार पर इसे 91.98% अंक मिले हैं। सदर अस्पतालों में आयोजित प्रेस वार्ता में अधीक्षक डॉक्टर आनंद शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि टीम द्वारा जिला अस्पताल का गहन निरीक्षण कर तमाम व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया था। इसके बाद विभिन्न तरीके से अंक घोषित कर बेगूसराय जिला अस्पताल को विजेता एवं भागलपुर जिला अस्पताल को रनर घोषित किया गया है। कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों को 3 महीने बाद लगेगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी के बाद जिन व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्हें रिकवरी के 3 महीने बाद कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन से संबंधित जिन्हें एंटीबॉडी या फिर प्लाज्मा दिया गया है उन्हें भी अस्पताल से डिस्चार्ज होने से 3 महीने बाद वैक्सीन की डोज दी जाएगी। जो लोग पहले डोज के बाद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं उन्हें भी रिकवरी के 3 महीने बाद ही वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। ऐसे लोग जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है उन्हें भर्ती किए जाने या ICU केयर की जरूरत है उन्हें भी 4 से 8 हफ्ते तक वैक्सीन का इंतजार करना होगा। गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन देने पर विचार किया जा रहा है। NTAGI की तरफ से इस मामले पर आगे की सूचना दी जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग ने पुलिस की खोली पोल तो ADG ने दी सफाई। बिहार में जारी लॉकडाउन के बीच कई जिलों में अवैध बालू खनन की शिकायत सामने आई है, जिसके बाद खान एवं भूतत्व विभाग ने भी पुलिस की सच्चाई सामने ला दी है। खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर ने बिहार के DGP SK सिंघल को पत्र लिखा था। इस पत्र में हरजोत कौर ने बताया कि बालू खनन बंद होने के बाद भी पुलिस की मिलीभगत से अवैध रूप से बालू का खनन किया जा रहा है। पत्र मिलने के बाद बिहार पुलिस ने सफाई दी है, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय के ADG ने ETV भारत से बातचीत के दौरान कहा कि लगातार कार्रवाई की जा रही है। ADG की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय ने एक्शन लेते हुए भोजपुर SP राकेश कुमार दुबे के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया है। इस दौरान बालू खनन में लगे 38 वाहनों को जब्त भी किया गया है। इतना ही नहीं, खान एवं भूतत्व विभाग की तरफ से पुलिस के खिलाफ दिए गए बयान का ADG ने सिरे से खंडन भी किया है।
बिहार के पूर्व मंत्री का बना फेक फेसबुक अकाउंट। कोविड-19 के माहौल में फर्जीवाड़ों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके तहत अब बिहार पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक विनोद नारायण झा के नाम पर फेक फेसबुक आईडी बनाई गई है। इतना ही नहीं, बेनीपट्टी के भाजपा विधायक के फेक फेसबुक आईडी से राजनेताओं से लेकर अधिकारियों को मैसेज भेजकर पैसे की मांग की जा रही है। विधायक विनोद नारायण झा ने अपने ओरिजिनल फेसबुक आईडी से आम लोगों से अपील की है। उन्होंने लिखा कि किसी साइबर अपराधी ने बेंगलुरु में उनके नाम पर फोटो का इस्तेमाल कर फेक फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को रिक्वेस्ट भेज दिया है। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में कोविड-19 प्रभावितों के मुफ्त सेवा पर शुरू हुई राजनीति। भले ही चुनाव के समय बिहार पक्ष और विपक्ष में बटा नजर आता हो, लेकिन कोविड-19 की लड़ाई में पक्ष और विपक्ष दोनों ने बिहार को बचाने की ठान ली है। यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास में कोविड-19 प्रभावितों के इलाज के लिए मुफ्त सेवा की शुरुआत कर दी है, जहां पर मरीजों को मुफ्त में इलाज मुहैया करवाई जाएगी, जिसके बाद से राजनीति शुरू हो गई है। जदयू ने तेजस्वी यादव की इस पहल को नौटंकी करार दिया है। वहीं जीतन राम मांझी ने भी तंज कसा है। जदयू और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि लापतागंज के नायक तेजस्वी यादव का यह नया राजनीतिक नाटक है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि अपने सरकारी आवास को मेडिकल वार्ड में तब्दील करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को धन्यवाद। आग्रह है कि अब राजनीतिक बातचीत को छोड़ आप वहां चिकित्सकों की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोविड-19 के बढ़ रहे माहौल के बीच तेजस्वी यादव ने हाल ही में पत्र लिखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अस्पताल का संचालन करने की अनुमति मांगी थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत के समुद्र मार्ग की खोज के बाद पुर्तगाली एक्सप्लोरर वास्को डी गामा कालीकट तक 1498 में आज के दिन पहुंचा था। आज ही के दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2011 में मध्य प्रदेश के बीना में हजारों करोड़ की लागत से बनी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की। 2011 में झारखंड की पर्वतरोही प्रेमलता अग्रवाल ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया था। साल 1900 में जगत की प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म आज के दिन हुआ था। 1932 में भारत में गरम दल के नेता और क्रांतिकारी विचारों के जनक विपिन चंद्र पाल ने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। सीएसके के स्टार खिलाड़ी को लेकर सोनू सूद ने किया बड़ा खुलासा। कोविड-19 के इस माहौल में कई मदद के हाथ आ गया है। हालांकि इस दौरान कई लोगों ने चुपचाप भी लोगों की काफी मदद की है। ऐसे ही एक व्यक्ति का खुलासा सोनू सूद ने किया है, जिसके तहत सोनू सूद ने बताया कि चेन्नई के कर्ण शर्मा कोरोना के खिलाफ उनकी लड़ाई में लगातार साथ खड़े हैं। सोनू ने ट्वीट करके लिखा कि सोनू सूद फाउंडेशन में आपके निरंतर समर्थन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपने एक बार फिर देश के युवाओं को प्रेरित किया है और आपके जैसे लोग सच में दुनिया को खूबसूरत जगह बनाते हैं। कर्ण ने इसका जवाब देते हुए सोनू को असली हीरो बताया है। उन्होंने लिखा कि हमारे देश के आप असली हीरो हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 19 मई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,650 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,650 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव 73,000 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 94.32 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 88.53 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विकी कुमार, साहिल कुमार, विकास यादव, विजय कुमार, दीपक कुमार, अनुप कुमार, सौरभ कुमार, गोस्वामी वीडियो, नवीन कुमार, रवि रंजन कुमार, राजेश कुमार, गौतम कुमार, पंकज कुमार, सोमनाथ कुमार, बिट्टू कुमार, अशफाक राज, मुन्ना पंडित, शशिकांत कुमार, सौरभ कुमार, रेखा रॉय। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आप जारी किए गए लॉकडाउन में अपना समय किस तरीके से बिता रहे हैं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।